ऑल राइट एवरीबडी, वेलकम बैक टू लकीज वॉक थ्रू। तो आप देख रहे हैं अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी का 5th एपिसोड। तो यहाँ पे अपन लोगों ने हेलीबिडू पहुँच चुके हैं पिछले एपिसोड में, सब टावर सारे एक्टिवेट करके। और ये देखो भाई नज़ारे क्या सुंदर है भाई, दो गणेश जी की मूर्तियाँ, बीच में से झरना, मतलब सुपर विजुअल्स। अनचार्टेड ना इस गेम में भाई कभी निराश नहीं करता विजुअल्स के मामले में। तो फटाफट से, ओ भाई क्या है यार, मतलब कितना पुराना कंस्ट्रक्शन होगा पूरा ये, जो कि अभी पूरा खंडित हो चुका है। अब पता नहीं जब ये अच्छे खासे शेप में या अच्छे वेल कंस्ट्रक्टेड होगा तो कैसा दिखता होगा। मतलब ये सब बड़े बड़े, मतलब जो किंग्स जो यहाँ पे रूल करते थे उन लोगों ने ये सब बनाया है। चलो भाई फटाफट जाते हैं, यहाँ से जाना कहाँ है यार, मेरे को वही नहीं मिल रहा रास्ता। अच्छा ये रहा, वो सामने उधर दिख तो रहा था उधर से जाना है करके, लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे करके वही मैं खोज रहा था। कभी कभी गेम्स में होता है कि ऐसी आपके सामने ही पूरा आगे जाने का रास्ता रहता है लेकिन कभी नज़र में नहीं आता वो। बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मतलब कितना, मतलब विजुअली ट्रीट है भाई ये गेम ना, लॉस्ट लेगेसी खास करके। उनके हाथ में जाना है। सॉरी गणेश जी, मैं ये करने की हिम्मत कर रहा हूँ। और देखो भाई वो भी बोल रही है माय अपोलॉजीज करके, क्योंकि उसके अंदर भी इंडियन ब्लड है ना, उसकी माँ के थ्रू या बाप के थ्रू आई थिंक शायद। तो उनके माला पे चलना है। You know, you keep asking me that. It'll save us both some time if you just assume it's not. Oh boy. Oh boy. It's definitely not safe, by the way. So, think you can get back up here? Yeah. Oh, bhai, Bahubali ka yaad aa gaya sahi mein isko dekh ke. Especially ye wala scene. क्या मतलब क्लाइंबिंग का क्या, मतलब क्रिएटिविटी देख रहे हो उनके, मतलब जो वेपन है उसके हैंडल के डिजाइन पे लोगों ने क्लाइंबिंग ऐड कर दिया है। उनका हाथ, अंगूठी, डिटेलिंग जबरदस्त है यार, मानना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ पे यहाँ से गिरे ना नीचे नजर भी नहीं आएंगे। ओ भाई मैं बोल ही रहा था, पकड़ ली है नेडीन। चढ़ चढ़ नहीं तो वो भसक ना जाए कहीं नीचे। और ये पहुंच गए टॉप ऑफ द व्यू। वाओ भाई साहब, गिर ना जाना और हवा से हिल रहे, पकड़ के रखो एक दूसरे को। वाह इंप्रेसिव, वाओ। अरे अरे कहाँ जा रहे, देख तो ले रहे पहले कहाँ जाना का। ओह मूर्ति का, गणेश जी का कोई स्टैचू। ओ परशुराम और गणेश, तो ये वाला कहानी है जहाँ पे महादेव ध्यान पे रहते थे और उन्होंने गणेश जी को बोला था कि अंदर किसी को आने मत देना करके, ऐसी कुछ है। तो परशुराम जी को मिलना रहता है भोलेनाथ से कि उनसे मुझे मिलना है करके, मुझे जाने दो करके, तो गणेश जी मना कर देते हैं। तो इसी बात पे भाई युद्ध हो गया परशुराम जी और गणेश जी के बीच में। तो परशुराम जी को महादेव के द्वारा एक वो दिया गया था एक्स फरसा, तो उस फरसे से गणेश जी के ऊपर हमला करते हैं तो उनके दांत पे लग जाता है, तो एक दांत उनका टूट जाता है, तो टूट के वहीं पे गिर जाता है। तो यही थोड़ा सा कहानी का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे, ऐसे इस क्रेविंग, मतलब ये रॉक पत्थर से जो तराशते ना, वो छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पे ऐसा दिखाया गया। सो इनक्रेडिबल भाई, ठीक है। तो जो दांत टूट के जो गिर जाता, तो उसी जो टूटा हुआ दांत रहता है वही खोजना है अपने को इस गेम में। बस वही कहानी है यहाँ पे, छोटा सा वो इंसिडेंट था
जो यहाँ पे ऐसा दर्शाया गया है भाई, कैसे क्रेविंग की, मतलब उस टाइम पे उसको कैसे मतलब तराशे गए होंगे पत्थर से, पता नहीं। अमेजिंग भाई, मजा आता है ये सब चीज देखने में मुझे, खास करके अपने इंडियन कल्चर को ऐसे डिपिक्ट करते हैं तो। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं फटाफट से, यहीं पे चढ़ना है, इतना कंकाले पड़े पड़े। ओ भाई साहब, ये क्या है बे इतने सारे। अच्छा यहाँ पे जब वो वॉर हुआ था ये उस टाइम का है क्या, जब पर्शियंस यहाँ पे मारे वो किए थे, अटैक किए थे। ओ देखो शायद सरेंडर करते हुए ये दिखा रहा है। आ भाई उस टाइम पे जो वॉर हुआ होगा पर्शियंस में, पर्शियंस यहाँ पे अटैक किए थे ना। सर कहाँ पे है भाई ये, एकदम कवर्ड है ऊपर से। मेरे को तो वो जानने का ज्यादा इच्छा पड़ रही है कि मतलब पहले ये कैसे दिखता होगा यही लोकेशन किंग्स के टाइम पे। Excuse me. एक लात मारी excuse me करके, boom. We're getting close. Hopefully closer than these guys. हाथी तो अपना फिक्स है भाई, हाथी मेरे साथी। तो कितने सैनिक लोग का कंकाल्स पड़ा हुआ है। ओह यही वाला है जो कहानी में जो है ना बता रहा था मैं, यही सब यहाँ पे पेंटिंग के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। देखो उन पे हमला किए थे तो उनका दांत टूट गया था, और ये तो वही महादेव के द्वारा दिया गया वो फरसा परशुराम जी को, एक वरदान के रूप में दिया गया था उनको। डिटेलिंग ज़बरदस्त है कहानी समझाना, मतलब क्या हुआ था वो सब। चलो आई थिंक यहाँ पे पजल सॉल्व करना है अपने को। Well, that's different. ये सेटअप देख के तो लग रहा था मेरे को कि यहाँ पे कोई पजल ही होने वाला है। If I had a guess, I'd say it's some kind of lock mechanism to open that door. Okay, सामने वाला डोर। We have Shiva gifting Parashurama the axe, and on the right we have Parashurama chopping off Ganesha's tusk. Yes. Wait, with the axe? Yeah. The one that Shiva, Ganesh's father, gave to Parashurama. तो गणेश जी ने वो हमला इसलिए ले लिया ताकि उनके पिताजी के दिया गया वो एक्स वीक प्रूफ ना हो, इसलिए वो अटैक उन लोगों ने ले लिया अपने ऊपर। नहीं तो गणेश जी तो परशुराम जी को आसानी से हरा सकते थे, लेकिन उन लोग उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबरदस्त। तो चलो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हो चुका है ये आखिरी बटन, और ये बैठ गया, लेकिन वो वाला बचा है। यार मेरे को करते करते 15-20 मिनट हो गया पता है। एक तो या तो एक सुधरता है तो वो दूसरा वो बिगड़ जाता है, ये सुधर दे तो दूसरा बिगड़ जाता है, यही हो रहा था 15-20 मिनट से। तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से निकलते हैं अभी फटाफट। तो यहाँ पे वो डिस्क लगेगा, फिंगर्स क्रॉस्ड, और कुछ पता चलेगा कि वो टस्क कहाँ पे है या कुछ ऐसा रिवील होगा क्या? That's supposed to happen? No. Just don't get us killed. You're no fun. Ready? देखा जाएगा, कर दे। Amazing. What the Shiva? अरे ये तो भोलेनाथ जी रिवील हुए भाई। गड़बड़ी हो गया शायद कुछ। मेरे को क्यों लग रहा है ऐसा कुछ ट्रैप टाइप का था ये। Oh no, no, it's okay. I think we're gonna be okay. Okay? Where the hell's the tusk? I don't know. None of this makes any sense. Yeah,
It does. हाँ, टस तो मिला नहीं. Hoysala sent us on a fool's errand. I think you're right. Terrific. No, hear me out. Ganesh is the symbol of Halabadu, and Shiva was the symbol of old capital Belura, which was the old. The old capital. Exactly. What if the king built this spectacular city, and it was a wonderful target for the Persians? And the old capital was forgotten. Oh, ऐसा है क्या? What if they let it get plundered? तो किंग ने मतलब जो भी राजा था वो जानबूझ के ये हेलिबिडू मतलब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट किया था कि पर्शियंस यहाँ पे अटैक करें लेकिन उनको कुछ मिले ना हो. लेकिन जो असली जो टस्क है वो अपना है ओल्ड कैपिटल बेलोर. भाई राजा भाई तलाक है भाई, यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ चुका है बहुत. हाथ तो कुछ लगा नहीं पर मुसीबत और गले पड़ गई भाई, तो फटाफट से उसको चढ़ना पड़ेगा. और भाई क्या कैसे फंसे हैं भाई, क्या है कुछ? अरे क्या है बोलता हूँ, प्लेटफॉर्म तो था ये बस ऐसे हो गया वर्टिकल. क्या अच्छा इधर है. चल मेरे को लगा नेडिन पकड़ेगी लेकिन पूरी पकड़नी प्लेटफॉर्म तो गया भाई. ये जगह तो सत्यानाश हो गया पूरा, जहाँ से मिलने का उम्मीद था टस्क. तो किंग ने बेलूर में जो अपना ओल्ड कैपिटल है होयसाला का वहाँ पे रखा होगा पूरा खजाना या टस्क जो भी है सब. तो पर्शियंस लोग यहाँ पे आएंगे हेलिबिडू में ताकि ये लोग अटैक करें तो उनके हाथ कुछ लगे ना और वो बेलूर प्रोटेक्टेड भी रहे. सही है भाई, चलाक है राजा. Correct me if I'm wrong, but wasn't there a huge waterfall here? Oh, तो यहाँ पे वाटरफॉल हुआ करता था क्या? There was. What the hell is that? Aqueduct. Oh, तो पानी वहाँ से बह के जा रहा है. The water's channeling there from the falls. Amazing. Did we do this just now? Well, technically I did. Cocky. Look, sorry if I cut too close to the bone, Becky. Oh. That's all right. You know, you two would have got on like a house on fire. He was also a really stubborn dickhead. You know, none of this could have possibly gone unnoticed. We should probably get out of here. Good point. Follow me, right? यार क्या मतलब मेरे को मन ही नहीं भर रहा है विजुअल्स को देख के, सीनरी वगैरह. वाओ भाई क्या हम एकदम ऐसा लग रहा है हेवन है एकदम. यहाँ पे कोई है? ओ एकदम साया रे फट गई मेरी, फूट गया. कूदूंगा इसके ऊपर. ये बूम अरे सारा ये इसमें भी आ गया. उसमें भी था फोर में थीफ एंड में इसी तरह का गाड़ी फॉलो करता था मारता था पता नहीं क्यों. अब इसमें मालूम नहीं क्यों मार रहा है.
टैग टीम ये ए ये आगे ना अरे किधर पकड़ ली मैं सोचा उसके ऊपर कूलिंग का डायरेक्ट रखा है ना उधर वही ओ इधर चलते हैं लोग यहाँ पे सेफ वगैरह चलो यहाँ से ना कवर तोड़ दे रहा है वो अपने शूट कर करके ओ इधर अच्छा इधर ही जाना है क्या जल्दी आ रहे मार 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 ऐसे मार ये बात ले भाई ये जहाँ जाते हैं भाई वहाँ का धरती भसक जाता है At least we're not in the line of fire. That thing carved on the floor. What do you suppose it is? Huh? Acha. Up here. Think there's a way through. Yahan chadna hai. There's a breach. Oh, aage sala. अरे भाई ये इसके हाथ लग जाएगा क्या डिस्क आई ऑफ शिवा इंप्रेसिव माय मैन वर्क्ड फॉर वीक एंड टर्न्ड अप नथिंग आई प्रोबब्ली हायर द रॉन्ग एक्सपर्ट परहैप्स यू नो A Hoysala poet once wrote of a young king who showed mercy and thus ended our rituals. But the old kings, they understood that progress demands sacrifice. Is that what you tell your men? In times of war, these aqueducts, they would run red through the capital. Those who would not fight had to be used to inspire those who would. Fengal. Chal beta, aa ja. Oh, oh. Oh, oh, bhai, choke slam diya re usko. Leave her alone, asshole. Chal aa ja. Let's make this quick. Mark. Oh. Ah. Give me back. Dodge attack. Okay, okay. Come get it. Be. Ye le. Ye le. Or le. Proud of yourself? Yes. A little. Yeah. Come on. Aja, aja, aja. Boom. Oh. Time your dodges. Ye baat. Oh, main pakad liya re. You see. अभी दबा तो रहा हूँ भाई कुछ हो रहा है कि नहीं स्टार्टिंग विद यू थैंक यू आ जा रहे टैग टीम मारेंगे अब इसको ये बात साले तुम लोग कहाँ से आ गए अरे चल निकल ओ ओ ओ ओ ओ उसका चश्मा फेंका गया एक पंच मारी वो नेडी ने अबे 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 ए ए ए कंट्रोल कंट्रोल वो 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 जब से आए हैं भाई यहाँ पे कहाँ गिर रहे हैं फिर रहे हैं पता नहीं सब कुछ टूट जा रहा है अपने पैरों के नीचे से जिंदा है भाई जिंदा है Hey, take it easy. You've been out for almost half an hour. अरे भाई आधा घंटे से बेहोश थी गए Oh, shit.
Shit, the Sarv's got the disc. ले भाई वो डिस्क ले गया वो. Relax, all right? अब उसके पीछे भागो अब. Think you can manage? Yeah, I've had worse nights, believe me. I won't ask. It's good to have you back. There's two of you now, right? Yeah. Okay. Let's go and get our disc. And some guns. अच्छा गन्स भी ले गए क्या अपना. वाह भाई सही है. तो भाई असाव के पास मतलब वो ले चुका है अपना डिस्क जो अपने पास था. और अपने पास अभी कुछ डिफेंड करने के लिए वेपन्स भी नहीं है. वो भी साथ में ले गया होगा ऑब्वियसली. तो अभी टोटली निहत्ते हैं भाई अपन. अभी देखते हैं आगे कोई भी आता है तो कैसे लड़ेंगे. स्टेल्थी खेलना पड़ेगा बेसिकली. Was a doctor before he took up his course. और कोई चारा नहीं है. So he left behind a lucrative career. I'm sure at some point he thought it was the right thing to do. Hi. You sure you're good to go? अपन दूसरे साइड आ गए ना उसी एरिया के. Let's get that thing. भाई व्हील घुमाओ. सामने से गेट खुलेगा. देख रहे हो कैमरा दिखा दिया ना ताकि एकदम से कुछ देखे ना इन लोग. अरे नंदी. Actually, that's a holy cow. That's Nandi. Shiva's gatekeeper. That's got to be the entrance to the old capital. It had to be triggered by the aqueducts. Yep. Shit. Asov's already heading inside. Okay, well, better get down there. Come on. No. What do you mean no? Sam Drake. अबे सैम. अच्छा सैम को भी पकड़ लिया क्या उन लोग. Yeah. Peace. You know what? This is a good thing. I can kill two birds with one stone. Nadine. अबे उससे पटता नहीं है इसका नेडिन का. नेथन और सैम से. What? Sam's kind of the reason why we're here in the first place. Oh, you better be joking. This was my deal. Sam went ahead to do recon for me on the disc, but then he went missing and I couldn't leave him for dead. You knew my history with Sam and then you dragged me into this anyway. Your history with the Sarv made you the obvious one. Oh. Don't hold back or anything. I want it. You know what, Nadine? This doesn't change anything. You'll still get your share. Yeah. Or maybe you and Sam will cut me out as soon as you get the tusk. Come on, man, that's not how I operate. That's exactly how your type operates. And to think I trusted you. Listen, I was going to tell you about Sam. I swear I was just waiting for the right time to... निकल ली. तो सैम से थोड़ा सा मदद ली होगी क्लोई. तो इसको ये पसंद नहीं आया नेडिन को. क्योंकि उससे उन लोगों का पटता नहीं है. पुराना दुश्मनी है. कि अगर मान लो वो दोनों मिलके अगर इसको निकाल देंगे तो इसका शेयर कुछ मिलेगा नहीं करके थोड़ा सा नाराज होकर चले गया. फिलहाल अभी अपन अकेले हैं और पता नहीं आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे क्योंकि व्हीकल भी नहीं है अपने पास. तो चैप्टर 6 गेट कीपर अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए वीडियो पसंद आते हो लाइक मार देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए. सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय. टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.